जब पैसे दे के कर्मचारी काम करते हैं तो स्वाभाविक है कि बिना पोस्टिंग बिना पैसे दिए वो लाते नहीं। करप्शन ऊपर से होता है, नीचे से नहीं होता है। मध्य प्रदेश के राजनीतिक माहौल में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर गर्मा गया है। बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का अपमान करने का आरोप लगाया है। इसके जवाब में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में ऐसा आम आदमी नहीं है जो बिना पैसे के किसी सरकारी विभाग से काम करवा सके। पटवारी ने इस बयान के जरिए सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। किसान न्याय यात्रा के दौरान जीतू पटवारी ने नर्मदापुरम और होशंगाबाद के कलेक्टरों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पैसे लेकर अपने पद प्राप्त किए हैं। पटवारी का कहना है कि प्रदेश में अधिकारी और कर्मचारी पैसे लेकर ही काम करते हैं। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार अब इतना हावी हो चुका है कि अधिकारियों को बिना पैसे के पोस्टिंग नहीं मिलती और हमारा काम है जनता की पीड़ा सरकार तक पहुंचाना। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस केवल आरोप लगाने का काम कर रही है। उन्होंने पटवारी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करना रह गया है, जबकि हम किसानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। यादव ने सवाल किया कि कांग्रेस क्यों किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने में विफल रही है और सरकार की योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं कर पा रही है। पटवारी ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के रहते माफिया प्रदेश में हावी हो गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि क्यों उनके वचन पत्र के किसी भी वादे पर अभी तक अमल नहीं हुआ और क्यों प्रदेश में किसानों को उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सरकार की नाकामियों को उजागर करना और जनता की आवाज उठाना है, जिसे वे बखूबी निभा रहे हैं। राज्य में राजनीतिक माहौल गर्म है, जहां दोनों दल एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। किसान, भ्रष्टाचार और माफिया जैसे मुद्दों पर यह बहस अब जनता के बीच भी चर्चा का विषय बन गई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में यह विवाद किस दिशा में जाता है और कौन से ठोस कदम उठाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में कोई ऐसा एक आम नागरिक हो जो बिना पैसे से किसी सरकारी विभाग में काम करवा सकता हो तो मुझे एक आध उदाहरण लेके आ जाए। जब पैसे देके कर्मचारी काम करते हैं तो स्वाभाविक है कि बिना पोस्टिंग बिना पैसे दिए वो लाते नहीं है। अधिकारियों को शौक नहीं चढ़ता है करप्शन करने का। करप्शन ऊपर से होता है, नीचे से नहीं होता है। जहां तक प्रश्न है विपक्ष का, हमारा काम है, हमारा जॉब है कि जनता की पीड़ा को सरकार तक लेके जाए। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, रस्सी जली, रस्सी ने जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में। आपको सत्ता दी, आप सीएम सिर्फ बीजेपी के नहीं, हमारे भी हैं, जनता के हैं। अगर सीएम साहब को 9 साल 9 महीने में वचन पत्र का एक भी वचन याद नहीं आया, ये घोषणा पत्र है इसमें किसान की एक बात भी याद नहीं आई, तो इसका मतलब है 9 महीने में विपक्ष अपने आवाज नहीं उठाए, जनता की बात नहीं करे। मुख्यमंत्री क्यों नहीं बता पाते कि आपकी सरकार का जो चेहरा है वो कर्ज, क्राइम और करप्शन का बन गया। आप क्यों नहीं बता पाते कि माफिया हावी कितने क्यों है। आप क्यों नहीं बता पाते हैं कि 3,000 रूपये बहनों को क्यों नहीं दिया आपने। क्यों नहीं बता पाते हैं कि 100 करोड़ रूपये रोज, 100 करोड़ रूपये रोज कर्ज लेना पड़ता है। आप ये क्यों नहीं बता पाते कि 2700 के गेहूं के दाम, 3100 के धान के दाम नहीं दे पाए आप। आपको बताना पड़ेगा ना कि 6,000 किसान का बेटा सोयाबीन का उसकी डबल इनकम की बात करने वालों से मांग रहा है, तो क्या कारण है कि आप उस पर सरकार रिएक्शन नहीं दे रही है। सरकार किसान के बेटे नहीं मांगे अपनी इनकम का, अपनी उपज का दाम। 6,000 रूपये सीएम साहब आपको देना पड़ेंगे। आप दोगे तो आरोप प्रत्यारोप नहीं होगा, आपका नागरिक अभिनंदन होगा। लेकिन आप जो आरोप लगा रहे हैं, जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि एसपी, कलेक्टर, बड़े बड़े अधिकारी पैसे लेके, तो क्या आपके पास कोई सबूत है कि आपने ऐसे ही कहीं मैं कभी सरकार में आ नहीं रहे हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि 100 करोड़ रुपए रोज रोज सरकार कर्ज ले रही है। एक विभाग ऐसा नहीं है जहां पे बिना करप्शन के कोई काम होता है। माफिया हावी है सरकार पे, रिश्वत लेके काम कराने के लिए दलाल घूम रहे हैं सब दूर। ऐसे में सांच को आंच कैसे और सच को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। सर आप ये पत्र भी लिख रहे हैं, क्या पत्र लिख रहे हैं? आज मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहा हूं, 9 महीने हो गए हैं,
सरकार 9 महीने का पर्याप्त समय होता है, ये समृद्ध मध्य प्रदेश की परिकल्पना के साथ आपने वचन दिए थे, उसमें से कितने का पालन किया, कितनी योजनाएं आपने बंद कर दी? मैंने उसका भी एक पत्र लिखा था अभी कि 33 योजनाएं बंद कर दी सरकार ने, क्यों? आखिर इसके नाम पे ही वोट मिला ना, लाडली बहना को 3,000 देंगे, बहनों ने वोट दिया, किसानों को 2700 का दाम देंगे, सर किसानों ने वोट दे दिया बीजेपी को, 3100 के धान के देंगे उसका दाम दे दिया, वोट दे दिए, तो आखिर ये पूरा नहीं हुआ। तो विपक्ष का दायित्व है जनता की बातें कहें, जनता की आवाज है कि कब होगा वचन पत्र, हम पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं। सर कल किनारे जो नगर बसे में वो मांस और शराब का सेवन मतलब वो प्रतिबंधित रहेगी, वहां पर नहीं किया जाएगा? मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए विचार पवित्र है, और अगर उन्होंने ये निर्णय लिया तो उसका स्वागत योग्य है, पर उनको महाकाल की नगरी से आते हैं, सबसे पहले शराब वहां बंद करानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने एक सभा की थी अभी और उसमें प्रस्ताव पास किया, मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि सबसे पहले सबसे बड़ी पवित्र नगरी उज्जैन है महाकाल की, यहां शराब बंदी करो, करेंगे तो हम उनका नागरिक अभिनंदन करेंगे।